हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर एक नई पीडीएफ के साथ। यह है पीडीएफ स्टेशन मास्टर के एलडीसी एग्ज़ाम में ऑपरेटिंग से अलग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और ये एक सीरीज में कवर किए हैं हम, और ये उस सीरीज का 16वां पार्ट होने वाला है। 16वां पार्ट और उसका ये लास्ट पार्ट है। अगर आप ये 16 पार्ट एलडीसी स्टेशन मास्टर के लिए अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही पक्का हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपना ये 16वां पार्ट, और इस पार्ट में ब्लॉक वर्किंग मैनुअल से संबंधित कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन। तो यहाँ पे है विजुअल इंडिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ ब्लॉक सेक्शन टू विच दे रेफर। सही बात है, टू अवॉइड एक्सीडेंट टू ट्रेन बीइंग एडमिटेड इनटू द सेम ब्लॉक सेक्शन एट ए टाइम। ये भी सही बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हुआ ए एंड बी, बोथ आर ट्रू। विच ऑफ द चैप्टर ऑफ जी एंड एस आर रेफर टू यूज़ इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका CH14 में, जनरल रूल के CH14 में, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग लाइन क्लियर, ग्रांटिंग लाइन क्लियर वेदर ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट बी कंफर्म बाय। तो ये करना है प्राइवेट नंबर ले दे के, प्राइवेट नंबर बुक आर टू नम बुक बुक्स ऑफ नंबर इन डिजिट। तो प्राइवेट नंबर बुक में टू डिजिट होती है, टू डिजिट का एक प्राइवेट नंबर होता है। इन प्राइवेट नंबर बुक प्राइवेट नंबर आर रिटन इन ए ग्रुप ऑफ, प्राइवेट बुक में एक ग्रुप में पांच प्राइवेट नंबर होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सही है आंसर इसका दूसरा, पांच। नेक्स्ट है पी एन यूज़ फॉर द ट्रेन ऑपरेशन शैल बी स्कोर्ड आउट बाय ए लाइन। तो ये डाउन हॉरिजॉन्टली थ्रोट, हॉरिजॉन्टली वे में यूज़ होती हैं, एंड और एट और डबल लेफ्ट ओवर अनयूज पी एन ऑफ द ग्रुप शैल बी स्कोर्ड आउट थ्रो। तो ये डाउन वर्टिकल थ्रो इट, वर्टिकल थ्रो इट में छोड़ देंगे इसको। हाउ मैनी टाइप ऑफ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज ओवर एन आर, तीन टाइप के, थ्री टाइप के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। डायोड टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन इज यूज इन, डायोड टाइप होता है सिंगल लाइन में यूज। ऑन एस ई जी टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अपर निडल रेफर टू, अपर निडल रेफर टू होती है स्टेशन ऑन द अदर एंड, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है एस जी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लोज पोजिशन इन शो बाय द निडल पोजिशन। तो निडल पोजिशन आपकी निडल वर्टिकल वे में, ऑप्शन है इसका पहला सही। थ्री कलर रिफ्लेक्टेड द निडल पोजिशन दीज आर, थ्री कलर रिफ्लेक्टेड द निडल पोजिशन दीज आर। हाँ, तो इसका होता है सीक्वेंस ग्रीन वाइट रेड। नेक्स्ट है ऑन एस ई जी टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लोअर नीडल, लोअर नीडल करती है स्टेशन ऑपरेटिंग द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन इसका पहला सही है। वट एवर वट वेदर पॉइंटर ऑन द फेस ऑफ कम्यूटेटर इज टूवर्ड राइट वट डज इज रेफर। तो लाइन क्लियर हैज़ बीन ग्रांटेड, आंसर है इसका पहला सही है, लाइन क्लियर हैज़ बीन ग्रांटेड। व्हेन एस जी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेटेड एज फेल इफ ब्लैक बेल कोड कैन नॉट सेंड और रिसीव, तब वो फेल माना जाएगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है ऑन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट गेट फेल्ड एंड कम्युनिकेशन इज ऑपरेटिव देन ट्रेन सेल रन ऑन पेपर अथॉरिटी, पेपर अथॉरिटी होगी उसके लिए 369B 3B।
इन केस डायोड टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड। तो यहाँ पे आपका द केस डायोड हैज़ बी कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड, द कैंसिलेंस काउंटर डज नॉट ऑपरेट, ऑटोमेटिक इंडिकेशन डज नॉट अपीयर। तो इसमें है तीसरा सही आपका, फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है UFSBI स्टैंड फॉर यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस, फुल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट है HSSDAC हाई एवेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, सिंगल सेक्शन इसमें याद रखना है डिजिटल एक्सेल काउंटर। वहन डिजिटल एक्शन काउंटर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद SGE ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट देन इफ ग्रीन इंडिकेशन ऑफ एक्सेल काउंटर बॉक्स सो ब्लॉक सेक्शन इज क्लियर टू विच इज रेफर, ब्लॉक सेक्शन इज क्लियर टू विच इज रेफर्ड। पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है विच डिजिटल एक्सेल काउंटर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद SGE ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट देन इफ रेड इंडिकेशन एक्सेल काउंटर बॉक्स शो, अगर रेड इंडिकेशन शो कर रहा तो ब्लॉक सेक्शन इज ऑक्यूपाइड सम पोर्शन ऑफ द ट्रेन इन द लेफ्ट इन द ब्लॉक सेक्शन, कुछ हिस्सा ट्रेन का छूटा हुआ है या कुछ है वहाँ पर, अगर रेड शो कर रहा है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है नील टोकन टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सेल बी कंसिडर्ड फेल एंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट वर्किंग सेल बी सस्पेंडेड। तो यहाँ पे वैन बेल सिग्नल आर रिसीव्ड इंस्टिकली और फेल ऑल टूगेदर, वैन टोकन इज ब्रोकन और डैमेज इन एनी वे ड्यूरिंग द आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ये दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है वेयर द रन बिटवीन स्टेशन इज लॉन्ग द लाइन क्लियर इंक्वायरी शुड नॉट बी सेंट मोर देन 15 मिनट 15 मिनट्स बिफोर द ड्यू डिपार्चर ऑफ द फ्रॉम द स्टेशन ट्रेन। नेक्स्ट है एट द टर्मिनल स्टेशन विच इज ट्रेन लॉन्ग हॉल्ट द लाइन क्लियर इंक्वायरी मोर देन, यहाँ पे भी 15 मिनट होता है, नंबर ऑफ बीट्स टू बी गिवन फॉर लाइन क्लियर इंक्वायरी 2 बीट्स, लाइन क्लियर इंक्वायरी के लिए 2 बीट्स देते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे। 3 बीट्स सेल बी गिवन बाय SM टू स्टेशन मास्टर इन एडवांस इन रेयर। तो यहाँ पर होता है एंटर ट्रेन हैज एंटर द ब्लॉक सेक्शन, ट्रेन एंटर कर गई है ब्लॉक सेक्शन में, बेल कोड टू गिवन SM इन एडवांस वहन अनसेफ कंडीशन ऑफ द थ्रो ट्रेन इन द ऑब्जर्वेज, तो उसके लिए 6 बीट होती हैं, 6 बीट ऑप्शन सेकेंड। द नंबर ऑफ बेल बीट दैट आर टू गिवन वहन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज टेस्टेड बाय SI, उसके लिए 16 बीट होती हैं, 16 बीट्स। द स्टेशन मास्टर हु आस्क्स ग्रांट लाइन क्लियर सेल रिमेन ऑन ड्यूटी टिल द सिग्नल रिसीव एक्नॉलेज्ड, उसके लिए 4 बीट्स। वैन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड और ब्लैक ब्लॉक बैक इज डन ऑन डबल लाइन सेक्शन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सेल बी कैप्ट इन पोजिशन, और ब्लॉक फॉरवर्ड और ब्लॉक बैक दिया गया तो उसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को टीओल पोजिशन पर रखा जाएगा, टीओल पोजिशन बोले ट्रेन ऑनलाइन पोजिशन। वैन स्टेशन मास्टर डज नॉट वॉन्ट टू ग्रांट लाइन क्लियर ही सेल गिव, तो यहाँ पे 4 बीट होना चाहिए बट है नहीं, तो नॉन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़ास सीरीज़ थी जो हमने अभी कंप्लीट की है, उसका ये 16वां पार्ट था। अगर सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, और जो इस सीरीज़ को देखते हुए यहाँ कैंडिडेट पहुँच गया है ना, इसको कम्प्लीटली देख लिया, उसका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है मेरी। तो थैंक यू, धन्यवाद।